देश में जितनी महागठबंधन में पार्टियां हैं सबको प्रधानमंत्री बनना है। जिस बिहार ने लोकतंत्र की स्थापना किया, बिहार के उन नेताओं ने जिन नेताओं ने उस समय खिलाफ किया, वही नेता आज उनके गोद में बैठकर कांग्रेस का महिमा मंडन करने का काम किया। नमस्कार, मैं कृपा सागर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात का 102वां एपिसोड आज पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरीके से 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी, काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही आपको बताते चले कि सम्राट चौधरी भी ने भी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मन की बात सुनते हुए कहा कि जो अखंड भारत का सपना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिखाया था, नरेंद्र मोदी उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटा करके जम्मू कश्मीर को भी विकसित करने का काम किया जा रहा है। साथ ही बता दें कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को लेकर कभी तंज कसा है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे सम्राट चौधरी। बैठक करने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन जिस आपातकाल की चर्चा भी नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, वो स्पष्ट है। लोकतंत्र का हत्यारा कौन था? लोकतंत्र की हत्या करने वाला कांग्रेस के गोद में महागठबंधन के लोग बैठे। जब तक राहुल गांधी ने ये नहीं सुना कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, तब तक वो बिहार आने के लिए सहमति नहीं दिए। लेकिन हमको दुख है, बिहार के लोगों को दुख है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू इसलिए एनडीए छोड़कर गए थे कि उनको सपना दिखाया गया था कि हम आपको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे। देश में जितनी महागठबंधन में पार्टियां हैं सबको प्रधानमंत्री बनना है, और ये लोग सपना देख रहे हैं कि 3-3 महीने का इस देश में प्रधानमंत्री का कार्यकाल होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देश की महान जनता फिर से नरेंद्र मोदी जी को 2024 में अपार बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बनाए। 24 और 29 को अमित शाह और जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, काम बड़ा कर। देखिए, हमारे यहाँ महासंपर्क अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। अभी भी माननीय मंत्री जी हमारे साथ बैठे हैं, उत्तर प्रदेश से चलकर बिहार में कई कार्यक्रमों में शामिल हैं, और पूरे बिहार में लगभग 7-8 जगह पर क्लस्टर बनाकर हमारे कार्यक्रम चल रहे। एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको घर में नहीं मिलेगा, सब 44 डिग्री सेल्सियस में गांव में मिल रहे हैं। और हम बता रहे हैं कि 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत की कल्पना जो नरेंद्र मोदी जी ने देखा था, भाजपा ने देखा था, देश ने देखा था, उसको जमीन पर कैसे उतारा गया है। सारे सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में लगभग 50 करोड़ लोगों को सीधा आयुष्मान भारत से जोड़ा गया, 4 करोड़ महिलाओं को। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के कार्यक्रम में देश में सिंचाई के कार्यक्रम कैसे बढ़े, देश में टीवी के खिलाफ कैसे अभियान देश में चलाए जा रहे हैं, देश में अखंड भारत का जो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देखा था, पंडित चाणक्य ने देखा था, उस सपने को 370 हटाने के बाद जो कश्मीर विकसित हो रहा है, विकासशील हो रहा है, उसके पूरे चीज़ों के खाका को बताने का काम उन्होंने किया। साथ ही साथ उन्होंने आपातकाल की घटना का भी जिक्र किया कि जो लोग पूरे देश के लोकतंत्र को जख्मी कर रहे थे, वही लोग आज उस लोकतंत्र के हत्यारे को महिमा मंडन करने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये लोकतंत्र के लिए 25 तारीख का दिन तो अपने आप में बिहार में काला दिवस के तौर पर होगा। जिस बिहार ने लोकतंत्र की स्थापना किया, और बिहार के उन नेताओं ने जिन नेताओं ने उस समय खिलाफ किया, वही नेता आज उनके गोद में बैठकर कांग्रेस का महिमा मंडन करने का काम कर। भारत भी 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य बहुत बड़ा है। तो आपने सुना किस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर के साफ साफ तंज कसते हुए कह रहे सम्राट चौधरी की जो सपना उनको दिखाया गया था प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार को, वो अब सपना पूरा नहीं हो रहा है। साफ कर दिया गया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। और जब ये बात राहुल गांधी को पता चली तब वो बिहार आ रहे हैं, यानी
विपक्ष की बैठक में राहुल गांधी को पता हो गया, कन्फर्म हो गया कि नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार नहीं है, तब वो शामिल होने आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इमरजेंसी का भी जिक्र करते हुए कहा कि जिस कांग्रेस के खिलाफ जेपी आंदोलन में ये लोग कांग्रेस का विरोध किए थे, आज यही लोग महागठबंधन के लोग कांग्रेस की गोद में खेल रहे हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।